दोस्तों अब चीन के बाद इंडिया में भी आ चुका है प्रोजेक्टर फोन और इसकी कीमत 15,000 से लेकर 70,000 तक के बीच में है। कंपनी ने पहला प्रोजेक्टर फोन सैमसंग गैलेक्सी बीम 2012 में 29,000 रुपये की कीमत में भारत में उतारा था और सैमसंग गैलेक्सी बीम 2 में एक बिल्ट इन मिनी प्रोजेक्टर मेटलिटी डिजाइन वाला यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 4.2 जेली बीन पर चलाया था, जिसे बहुत ही लोगों ने इसे पसंद करा था और बहुत लोगों ने इसे ऑर्डर भी करा था लेकिन नहीं आ पाया था। लेकिन अब दोस्तों जो 2020 के लास्ट मंथ तक के बीच में ये आने वाली है और सोनी कंपनी ने भी भारत में अल्ट्रा पोर्ट्रेट प्रोजेक्टर जो है लॉन्च कर चुका है और इस नया जो प्रोजेक्टर है मोबाइल प्रोजेक्टर का वजन 280 ग्राम है। यह किसी भी सरफेस में वाइज स्क्रीन में वो सक्षम है दिखने के लिए, ठीक है, वो किसी तरह का भी दीवार हो या फिर किसी भी जगह हो वो अच्छी तरह से फिट हो जाती है। और बात करते हैं सोनी की जो बैटरी की क्षमता है वो 5000 mAh की बैटरी की क्षमता है और इसकी स्क्रीन साइज 6 इंच है और इसमें ढेर सारी फैसिलिटीज भी दिया गया है और इसमें रैम भी है 4GB का जिसका प्राइस है 34,000। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मोबाइल है, ये आपको मोबाइल कम से कम और 6 महीने के अंदर ही मिलने वाली। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा इसी तरह का टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।